अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त आरा मेरोज सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएमएस स्टोरीज। अच्छा जी, आज का ब्लॉग कुछ यूँ है कि हमारा मियाँ बीवी का अचानक प्रोग्राम बनाया पाकिस्तान जाने का। बेगम ने छुट्टी ली। बेगम कहती है कि आपको तो छुट्टी नहीं है, मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। मतलब थोड़ी सी धमकी दी ना, समझा करें ना। फिर उसके बाद फिर मैंने कहा अच्छा जी ऐसी बात है, मैंने फ़ौरन छुट्टी अप्लाई की। छुट्टी अप्लाई की, अभी हमने टिकटें बुक नहीं कराई, सिर्फ छुट्टियाँ अप्लाई कर दी हैं। ठीक है, अभी मैं करूँगा ताहा को कॉल। ताहा मेरे भाई का नाम है, उसको मैं कॉल करूँगा, उसे कहूँगा कि हमारे ना टिकटें बुक करा दे। ठीक है, और अभी घर पे कुछ नहीं है, मैं अभी सो के उठाऊँ तो फ्रेश होता हूँ। फ्रेश तो हो गया हूँ मैं, शावर वगैरह लेके शुरू किया आपसे बात करना। नाश्ता रहता है, नाश्ता भी जाके करते हैं, और उसके बाद अभी हमने जाना है बाहर। हमने जाके लेनी है चॉकलेट्स, और दूसरा ये कि बेगम को ट्रैवल करने से पहले एक ज्वेलरी गिफ्ट करनी है, जो सोचा हुआ था वो तो करना ही है। तो अभी जाएंगे, एक शॉप है उसका नाम है पेंडोरा, मुझे उसके ज्वेलरी बहुत पसंद है, तो उधर से जाके ज्वेलरी लेंगे और बेगम को सरप्राइज़ देंगे आज। अच्छा, बेसिकली द थिंग इज़ दैट कि ये व्लॉग जो है ना वो तीन पार्ट्स में होगा। मतलब आज है फ्राइडे, कल सैटरडे एंड परसों हमारी फ़्लाइट है संडे की। तो ये व्लॉग जो होगा तीन पार्ट्स में इकट्ठे आएगा। तो अभी चलते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद बाहर निकलते हैं जाके चॉकलेट्स लेके आनी है, क्योंकि सारे रिलेटिव्स हैं, मतलब मेरी फैमिली है और उसके बाद मेरी ससुराल हैं, उनमें भी हमने चॉकलेट्स देनी है, तो वो जाके मैं ले आऊँगा। बेगम को नहीं बताया, बेगम ने कहा था कि मेरा वेट करें तो हम इकट्ठे जाके लेंगे। तो मैंने बेगम के लिए लेनी थी ज्वेलरी, तो सरप्राइज़ तो देना है उसको। तो अभी चलते हैं, अभी जाके लेते हैं ज्वेलरी उसकी, और उसके बाद आके उसको सरप्राइज़ देंगे। फिर कल बाकी थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, वो कल करेंगे। परसों हमारी फ़्लाइट है इंशाल्लाह ताला। तो चलते हैं बाहर जाके, देखते हैं क्या हिसाब किताब है। तो भैयों, तैयार शार होके हम घर से निकल चुके हैं। थोड़ा सा सर्दी का मौसम है, तो ये कि जैकेट शैकेट पहन के निकल रहे हैं। तो अब चलते हैं जाके कुछ चीज़ दे के आते हैं। पीस आउट जी भैयों। एक तो बात यह, जब आप पाकिस्तान जा रहे हो ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ती हैं अपने रिश्तेदारों वगैरह के लिए, पूरे ख़ानदान वालों को का पेट होता है कि आप आ रहे हो तो उनके लिए चीज़ें लेके आओ। तो ये तो बहुत हार्ड होता है, सबसे आखिर में चीज़ें लेने वाला काम। तो फिर मॉल चलते हैं, मॉल में से चीज़ें उठाते हैं फिर जाके। भाई टाउन में तो बहुत मॉल है, सच्ची वाला मॉल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्या गुनाहगार बंदों के साथ मुझे खिला रहे हो आप लोग। में बाकी में बहुत मॉल है, ये पेंडोरा है। हम अब अंदर जाएंगे और जाके जो है ना शॉपिंग करते हैं। यहाँ से जो है ना पुफियों और खालों वगैरह के लिए ना एयरिंग्स लेने थे, ये मैंने लिए हैं। अब उस औरत का वेट कर रहा हूँ, वो अंदर गई है, पता नहीं किधर गई हुई है। अच्छा जी, पेंडोरा से ये लिए हैं और खालों वगैरह के लिए जो लिए हैं एयरिंग्स लिए हैं, और अब जाके लेते हैं परफ्यूम्स और उसके बाद फिर घर जाते हैं। तो रश तो बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन चीज़ें भी शॉपिंग ज़रूरी है। तो अब ज़्यादा बीवी के बगैर शॉपिंग करो ना तो पैसे ज़्यादा लगते हैं। दुनिया में बीवियाँ पैसे ज़्यादा लगाती हैं, और इधर मैं उल्टा है, मैं पैसे ज़्यादा लगाता हूँ, मेरी बुड्ढी इतनी पैसे नहीं लगाती। वो सामने नेक्स्ट है, और नेक्स्ट के साथ वो ज़ारा है, वो आगे करके। तो चलते हैं ज़ारा पे, जो परफ्यूमें उठानी है वहाँ से उठाते हैं, स्वेटर वगैरह देखते हैं। ज़ारा ये परफ्यूम नहीं है, अभी ताहा के लिए शर्ट वगैरह देखते हैं, और बाबा के लिए और बाकी किसी के लिए भी ना एक परफ्यूम देखते हैं।
वापस आ गए घर। रात में इतनी सारी चीज़ें हैं साथ में, कुछ परफ्यूम्स नहीं हैं, चॉकलेट्स हैं और बेगम की ज्वेलरी है। तो मैंने तो एक दफ़ा दोबारा देखनी ज्वेलरी के ठीक है कि नहीं देखती, तो आपको दिखाते हैं। अभी पहले ये रखते हैं इधर ये सारी चीज़ें, और उसके बाद ये ब्रांड स्पॉन्सर तो नहीं उन्होंने मुझे दिया, लेकिन ये ब्रांड बहुत अच्छा है। तो ये है कि ये है ज्वेलरी, बेसिकली हमने लिया बेगम के लिए चेन गोल्ड की। ये है ओ कहाँ गई, गायब हो गई? ओ नहीं, वो पीछे छुप गई है। ना करो यार, ऐसे क्यों हो जाते हो तुम? एक इनके डब्बों का ये मसला। तो द क्वालिटी इज़ गुड, इट्स लाइक गुड। इसके साथ एक पेंडेंट है, वो शायद अगली साइड पे है। तो अब बेगम का इंतज़ार करते हैं, फिर उसके बाद उसको गिफ्ट देते हैं ट्रेवल से पहले। ये भी हम छुपा देते हैं, समझा करें ना। दूसरा ये कि बैग तो हमने निकाला है, और बैग के अंदर चीज़ें वो आके डालेगी, बाकी उसका सामान है। तो फिर उसके बाद अगला दिन स्टार्ट करेंगे, अभी वो आएगी तो उसका वेट करते हैं जी। तो ये है कि शॉपिंग वगैरह कर ली है, और अब घर चलते हैं, घर जाके आराम शराम करते हैं, बाकी पैकिंग शेकिंग करते हैं। आज के पहले पार्ट का व्लॉग का हिस्सा ख़त्म, अब सेकंड व्लॉग का हिस्सा कल आएगा। तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह ताला आपका भाई आपको कल मिलेगा। बाय बाय।